बियॉन्ड और अक्रॉस। आज हम ये जानेंगे कि बियॉन्ड और अक्रॉस का यूज किस तरह के वाक्यों में किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे बियॉन्ड की। जब किसी वाक्य में के पार या के आगे का सेंस आए तो बियॉन्ड का यूज किया जाता है दो सिचुएशंस में। एक तो जो दिख ना रहा हो उसके पार, और दूसरा जिसे छू या देख नहीं सकते यानी एब्स्ट्रैक्ट उसके पार। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हमने नाउन वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं जिसे छू या देख नहीं सकते। आइए सेंटेंसेस के माध्यम से हम इस बात को समझें। देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है जो हमें दिख नहीं रहा। देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन। उस नदी के पार क्या है? व्हाट इज बियॉन्ड दैट रिवर? जिंदगी के आगे कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ। देखिए जिंदगी के आगे, जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बात हम नाउन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उसके आगे यानी उसके पार, इसीलिए हमने यहां पर बियॉन्ड का यूज किया। इसी तरह से देखिए कुछ सेंटेंसेस और हैं। हमारी सोच के परे भी चीजें हैं। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसके पार बोलेंगे तो क्या कहेंगे? बियॉन्ड। इसके पार एक जंगल था। देयर वाज अ फॉरेस्ट बियॉन्ड इट। प्यार के आगे कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव। तो बियॉन्ड का यूज दो सिचुएशंस में किया गया। एक तो जो दिख ना रहा हो उसके पार, और एक एब्स्ट्रैक्ट के पार, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पार। इसी तरह से देखिए अक्रॉस का यूज। अक्रॉस का मतलब भी होता है के पार, किसी वस्तु या स्थान के पार। यहां पर देखिए वस्तु या स्थान के पार बोला तो वो वस्तु या स्थान हमें दिख रहा है उसके पार। मैं तैर के नदी पार कर सकता हूं। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, क्योंकि नदी हमें दिख रही है उसके पार। अक्रॉस द रिवर। मेरा घर सड़क के उस पार है। सड़क हमें दिख रहा है, सड़क दिख रही है हमें। माई होम इज अक्रॉस द रोड। वो सड़क के पार खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड।